स्टार प्लस के सीरियल झनक में। झनक के मुंबई जाने के बाद सभी घर वाले अनिरुद्ध को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, खास करके बिपाशा। बिपाशा सबके सामने अनी से कहती है कि वो कभी नहीं चाहता था कि वो अर्शी से शादी करे। अनिरुद्ध सबके सामने ही उससे पूछता है कि ये वो क्या कह रही है। तब बिपाशा सबके सामने ये कहती है कि अनी, तुम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम अर्शी से शादी करो, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते थे। अनी तब बड़ी शक की निगाहों से बिपाशा की तरफ देखता है और बिपाशा कहती है, हाँ अनी, हम सब जानते हैं कि तुम उस नौकरानी से प्यार करते थे, यानी झनक से। जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं, सब लोगों को यही लगता है कि उन सब के मुँह की बात बिपाशा ने छीन कर अनी के सामने कह दी है, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं अनिरुद्ध और झनक के बारे में। बिपाशा यही बात खुल के सबके सामने कहती है, तब अनिरुद्ध बहुत ज़ोर से बिपाशा की ओर चिल्लाता है। वो जानता है ये बात सच है, लेकिन मानना नहीं चाहता। उधर दूसरी ओर झनक मुंबई पहुंच तो गई है, लेकिन उसकी स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। झनक जॉब अपॉर्चुनिटी के चलते मुंबई पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर उसे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। सब लोग उससे कहेंगे कि वो तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं है, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिल सकती। झनक हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे किसी भी तरह की नौकरी दे दो। तब कोई सजेस्ट करेगा, अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं तो फिर आप हमारे गुरुजी की केयर टेकर बन के रह सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या सक्सेस पाने के लिए झनक किसी की केयर टेकर तक बन जाएगी, या फिर वो कोई दूसरा रास्ता चुनेगी। आप सबको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। झनक की स्ट्रगल कितनी लंबी चलने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।